हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक like, कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए तो हमारे जो व्यूज हमने दिए थे फोर डेज से पहले द व्यू वाज वेरी क्लियर के वी <coughs> मैंने बोला था कि थर्सडे तक जो हाई बना है आइडियाली राइट इफ यू लुक एट दिस इज मंडे या दिस हाई एक्चुअली विच इज अराउंड थर्टीन

ये है थर्सडे की मेरे ख्याल से नो no, वेनेसडे ये थर्सडे थर्सडे तक का हाँ, है ये दिस वन एंड दिस वाज आल्सो नॉट ब्रोकन ओके और मैंने ये भी बोला था कि ये क्रॉस नहीं करेगा राइट आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर सम करेक्शन अप टू दिस लेवल ये वाली हमारी लेवल थी कि एक ब्लैक लेवल तक और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा थर्टी तक करेक्शन हुई है लुकिंग एट वोस्ट केस इन मैग्निफ्टिक सो और ये करेक्शन को मैं थोड़ा ग्रेजुअल देखना था एक्चुअली इसने क्या क्या वोलाटाइल वाला करेक्शन दे दिया है करेक्शन तो दिया है गो अप करेक्शन दिया है बट रिकवरी भी उसने हर एक दिन किया ऑलमोस्ट एवरी डे रिकवरी हैज हैपेंड ओके सो दैट मींस वन थिंग वेरी सिंपल वॉल्यूम थोड़ा सा लो है सो so, ट्रेडिंग जो हमें पोजिशनल किया होगी मैंने क्या बोला था वेडनेसडे से ऑनवर्ड्स वी विल स्टे पॉजिटिव इन मार्केट

तो uh, 16 कल का डे मॉनिटर करना बहुत जरूरी है बट आई एम ऑलमोस्ट पॉजिटिव फॉर द दर वीक अप अपी फोर्थ ओके नाउ लेट अस सी हाउ दैट कैन है अगर नहीं होता है तो हम लोग को लॉस कहाँ पे कट करना है दैट इज हाउ यू नीड टू ट्रेड और स्टॉक का थोड़ा एनालिसिस करेंगे देखो बैंक निफ्टी जो अभी ट्रेड कर रहा है यहाँ पे ये चैनल हमने पहले एक बार बना के दिया था आप सबको अगर आपको देखोगे तो सेम चैनल ही ऑलमोस्ट ये कर रहा है एक्सेप्ट जस्ट दिस वन सेम चैनल ओके सेम चैनल के हिसाब से अगर देखोगे चैनल के हिसाब से अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी अपर साइड टू गो थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड टू हंड्रेड का यहाँ पे होना चाहिए या अराउंड दिस या थर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड इज द फर्स्ट टारगेट दई वु लाइक टू लुक एट उसके बाद तो इट विल गो अप थर्टी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थिंक एट हंड्रेड एंड थर्टी टू थाउजेंड थर्टी टू थाउजेंड टारगेट्स वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड आई थिंक उसके आसपास है तो हम वीकली वीडियो में एनालिसिस करेंगे फॉर टूमो uh, अगर बैंक निफ्टी अगर जाएगा द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इज अपर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड ओके पॉजिटिव जाता भी है

So there are two things that will happen first of all i am not expecting bank NFT to break this trend line and go down okay now it may happen it's market market is supreme you don't know what market will do okay but that means each of trend line when I draw you draw this trend line and see in morning where market is sustaining uh, do your trade after 9 94945 940, gas was okay then only you might get some good trades so बैंक निफ्टी बिफोर टेन ओ क्लॉक बिलो दिस ट्रेंड लाइन ओके आपको दिख रहा है उस, मतलब यहाँ पे अगर आता है कौन सा लेवल आएगा 30, 480. 30, 480, और थोड़ा नीचे आएगा तो फोर फिफ्टी थर्टी थाउजेंड फोर फिफ्टी के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर रहा है फॉर वन आवर देन बी श्योर की कल ये बेसिकली बुलिश वाला आपको जो है

From this level 30, 900, 450 points straight. Because if it is going from here, Kal, tomorrow crossing 30,900 chances are very, very, very high because I'm expecting an ordinary expiry on Thursday. Okay. So this will be our target 30,900. This time this black level will be touched. Then the next target is 31,070 and then th ultimately 31,200. Okay. So this is target one. This is target two, and thirty one thousand two hundred will be my target three. Okay. So this is my scenario one for tomorrow. Okay. Now let's say market opens positive. <clears throat> positive, my both the scenarios happen. This positive and flat. These both scenarios are same for downfall. Okay. Now if market opens gap up. If market opens gap above this level, 31,880, which is around 100 200 points almost. 690 to 880. Yeah. Almost 200 points. So if market opens 150 to 200 point plus, okay, wait for only 15 minutes. In 15 minutes, if it is crossing, crossing 30,900 positive, go up to 31,200. Okay. कल सेवन हंड्रेड पॉइंट जाने की पॉसिबिलिटीज है जा सकता है ओके इन केस डोंट सेल नाउ अगर इसको नीचे आना होगा बाद में बाइंग देनी होगी तो यह सीनारियो देगा ओके पॉजिटिव टू फ्लैट ओपनिंग नाउ लेट्स डिस्कस द नेगेटिव सिनारियो नेगेटिव सिनारियो में गैप डाउन होता है इट इज कमिंग फ्रॉम गैप डाउन बट गैप डाउन में एक सिनारियो होगा जो हमारी व्यू को पूरा ये ऑपोजिट कर सकता है बैंक निफ्टी कल अगर ये गैप डाउन हुआ और ये फर्स्ट 15 मिनट्स में ये जो लो है हमारा 30000 350 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू कर दिया देन हमारा पहला टारगेट होगा 250 100 पॉइंट दूसरा टारगेट हमारा होगा लेके जाएंगे, क्लियर? उस केस में कल हमारी एक पैनिक सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज पॉसिबिलिटीज हो जाएगी बट वो पॉसिबिलिटीज तभी होगा इफ द ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन एंड मैग इज ट्रेडिंग थर्टी थाउजेंड या फोर हंड्रेड थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड के नीचे अगर ट्रेड करना चालू किया तो बेसिकली हम यहाँ पे 400 पॉइंट्स की डाउनसाइड भी देख सकते हैं बट दैट इज द ओनली सीनारियो जो हम मिस नहीं करेंगे व्यू तो वैसे हमारा इज पॉजिटिव अगर बनता है देन इन दैट केस डू नॉट बाय बैंक निफ्टी ओके इन दैट केस डू नॉट एट ऑल बाय बाय बैंक निफ्टी आप ये मत बोलना कि सर आप थे और हम लोगों ने बाय कर दिया नो इन दिस सीनारियो यू कैन नॉट बाय बैंक निफ्टी यू कैन सी ए पैनिक सेलिंग यू कैन ओनली बाय बैंक निफ्टी Flat to positive opening coming down, respecting the trend line for 15 minutes, buy. And then, in that case, you have a huge buy for target one, target two, target three. Okay. These are the only two scenarios in which I'm going to uh, basically trade bank nifty. Okay. Only two scenarios. The next scenario that you are talking about, okay, not the next scenario, in this scenario, यहां पे देखो मार्केट बैंक निफ्टी इतना गिरेगा वो सोच के ना लोग यहाँ पे भी बाई कर देंगे ये ब्लैक लेवल पे भी बाइक कर देंगे यहाँ पे बाइक कर देंगे डू नॉट बाय बैंक निफ्टी टूमोरो इज बैंक निफ्टी ट्रेडिंग थाउजेंड फोर हंड्रेड सिंपल ओके आपको बीच बीच में ग्रीन दिखाया ऐसा दिखा सकता है बट आई वुड नॉट बी कम्फर्टेबल इन बाइंग बैंक निफ्टी एट ऑल इफ बैंक निफ्टी इज कमिंग डाउन थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके आई विल नॉट बाय राजन आई विल लुक फॉर सेल because my target is to <coughs> bring it down up to 30000 agar ye scenario hota hai i hope everybody is clear ye scenario mein cautious rehna hai aapko i personally would prefer in bank nifty either trades like this or in an ultra bullish beam gap and go so gap up hota hai first 10 minutes mein 30870 ke upar chala jata hai i'll go for 400 points buying from here

निफ्टी आई पर्सनली वुड लाइक टू निफ्टी में ये जो बना है दिस वन ओके ये वाली थोड़ी बॉडी बड़ी होती तो आई कुड गिवन यू परफेक्ट ट्रेड ओके बिकॉज ये वीक के साथ बनी है जो तो पैटर्न इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग बट बायस इज टूवर्ड्स पॉजिटिव ओके बायस इज टुअर्ड्स पॉजिटिवनेस

और मैंने किसी को बताया था ग्रुप में नहीं बोला था सर बट माई टारगेट इज नाउ रिवाइज्ड अगर ये कल इसके ऊपर ट्रेड करता है टारगेट नाउ वुड बी अप सेवेंटी हंड्रेड एट हंड्रेड एट हंड्रेड ट्वेंटी का एट हंड्रेड ट्वेल्व का कुछ लेवल है 13, 700, 13,

अगर नीचे साइड निफ्टी बाई चांस ओपन होता है मेरे को जो थोड़ा सा रेयर लगता है बट विल नॉट मिस द हो सकता है मतलब अगर उनको बड़ी बाइंग करनी है ना तो गैप डाउन भी कर सकते हैं मतलब टू ट्रैप द ट्रेडर्स ओके गैप डाउन करके एंड देन दे विल इन दैट केस द गैप डाउन विल नॉट सस्टेन मोर देन आवर जो मैं बैंक निफ्टी में सिनारियो बोला था सेम सिनारियो इन निफ्टी वन आवर से ज्यादा गैप डाउन सस्टेन नहीं करना चाहिए जैसे फॉर एग्जाम्पल डाउन हुआ ये कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए वन आवर के अंदर उसको कंसोलिडेशन मिल जाना चाहिए और कंसोलिडेशन मिला और फिर टेन थर्टी के बाद इलेवन ओ क्लॉक के बाद लेवल्स वाच जो करेंगे में. में आम तो, गो बिलो S1. Okay? <coughs> तो निफ्टी का भी यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी में आई एम टेकिंग इट अप टू एस थ्री ओकेडियो बट निफ्टी में आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बिलो एस वन ओके तो हम लोग का ये जो डे का लो है ये डे का लो रेस्पेक्ट करना चाहिए बाई चांस अगर आता है तो थर्टीन थाउजेंड फोर फिफ्टी ज्यादा से ज्यादा आई कैन सी आई कैन सी ए बाइंग फ्रॉम हियर फोर एटी ऑल्सो कभी आता है निफ्टी और निफ्टी में अगर आप ट्रेन लाइन ड्रॉ करोगे हमारे पास ट्रेन लाइन जो है ट्रेन लाइन इज वेरी वेरी सार्क ओके ट्रेन लाइन इज वेरी वेरी सार और उस केस में अगर आप ट्रेन लाइन कर भी लेते हो ना जो हमने पहले भी बहुत बार किया होगा थोड़ा सा नीचे सॉरी थोड़ा सा नीचे आएगा ये या ओके सो दिसन उल कम ओके and and in that that case if you look at the trend line support would be ideally pivot so that means bank nifty flat to positive open it comes down थर्टीन थाउजेंड फाइव ट्वेंटी देन यू कुेक जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिया था द सेम काइंड ऑफ बाइंगी इसके नीचे ट्रेड करता है मॉर्निंग में okay?

कोटाक बैंक ऑल्सो बुलिस है ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाना चाहिए ठीक है आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा ये एंड मैं इसमें फीवो कुछ लगा नहीं रहा बिकॉज द टारगेट लुक्स बिगासी बैंक गैप डाउन नहीं होना चाहिए बस अगर गैप डाउन हो गया तो सपोर्ट लेगा यहाँ पे 515 515 के नीचे अगर ट्रेड करना है डे का लो ले लो 513 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू किया तो एसआईसी बैंक ही कल मैग्निफ्टी को कमजोर बना सकता है रेस्ट रेस्ट आई एम बुलिश या एक्सिस बैंक विल आल्सो एक्ट एज अ बुलिश इट विल शुड शुड गिव ग्रीन कैंडल क्लोजिंग इंडसेंट बैंक थोड़ा कंफ्यूजिंग हैस आइदर रेड बनाए मॉर्निंग में बना दे तो बहुत अच्छी बात है अगर मॉर्निंग में बनाता है तो इट इज गुड डे हाई के ऊपर ट्रेड किया तो ये प, ये पैटर्न तो पॉजिटिव ही है मैं नीचे की बात कर रहा हूँ तो अगर नीचे आया तो मॉर्निंग में आ जाए तो अच्छी बात है और यहीं पे कंसोलिडेट कर दे तो बैंक निफ्टी को ज्यादा नहीं गिराएगा रिलायंस रिलायंस आल्सो इज रेडी फॉर सम ग्रीन कैंडल टुमारो टूम रीजनल सपोर्ट एच देखो मैंने एच जब यहाँ पे था ना यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी कब आई थी थर्ड या फोर्थ हो यहाँ पे मैंने बोला था कि एच डी एफ सी बैंक लॉन्ग में रहना है आपको ठीक है और मेरा टारगेट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवेंटी नहीं सॉरी आरबीआई पॉलिसी पहले ही आया था कहाँ आया था पता नहीं बट मेरा टारगेट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवेंटी का था ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सेवेंटी हाँ यही है हाँ यहीं पे कहीं पे आया था ये वॉज बुलिस बुलिस आज भी अगर देखोगे दिस वॉज बुलिस इतना बड़ा बुलिस के इसके बाद इतना करेक्शन तो बनता ही बट इतना करेक्शन जो बना है ना अभी ये और दोबारा नहीं बनेगा सो एम बोलिस और एच डी एफ सी मैंने ऑलरेडी बोला था लॉन्ग रहो ट्वेंटी तक ट्वेंटी आ गयाउंडी फोर थाउजेंड प्लस एंड एच डी एफ सी ओके फायर टूमियलीकेस इज सम डिजास्टर है okay? तो देखो स्टॉक अगर मुझे उससे ज्यादा सस्टेन नहीं करना चाहिए दैट इज माई व्यू द ओनली बैंकिंग स्टॉक दैट यू नीड टू मॉनिटर इज प्रोपर्बली आईसीआईसी बैंक अदरवाइज आई एम गुड विथ एवरीथिंग एल्स ओके कुल थैंक यू वेरी मच जय माता दी तीन चार दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं बट कल लाइव में मिलते हैं और फिर देखते हैं